जश्ने मिलादुन नबी जुलूस कमेटी के जानिब से इस साल का जुलूस जो है हमारा गणेश चतुर्थी का गणेश मंडल का त्योहार होने के बाद 19 तारीख को निकालने का इरादा हम सब लोगों ने किया है। और ईद मिलादुन नबी जुलूस कमेटी के जानिब से हर साल एक जो है उत्सव समिति जुलूस समिति नेमी जाती है। इस साल भी उस कमेटी को नेमणूक किया गया है। 19 तारीख के जो जुलूस निकलने वाला है उस सिलसिले में हमारे शहर के पुलिस कमिश्नर एम राजकुमार साहब से हमारी बात हुई है और उन्होंने भी 19 तारीख के जुलूस निकालने के लिए सम्मति दी है। अब रहा जुलूस कमेटी जो हम हर साल जो है यहाँ पे नेमते हैं, जश्न मिलादुन नबी जुलूस कमेटी के जो है टोटल 5 ट्रस्टीज हैं और 5 ट्रस्टीज में 3 ट्रस्टी जो है मैं ट्रस्टी अध्यक्ष हूँ और हमारे वाहिद नदाफ और मोहम्मद अली बड़े पीर ये 2 ट्रस्टीज हैं और हम 3 ट्रस्टीज और हमारे साथ मरहूम बशीर शेख साहब भी थे 3 साल पहले। तो पिछले कई सालों से मुझे अध्यक्ष पद बना मेरे तरफ अध्यक्ष पद दिया गया है और 3 सालों से मैं कोशिश कर रहा था कि ये जुलूस कमेटी का एक्सटेंशन हो, जरा वो बड़ी हो और उसमें और नए सभासद को लेकर एक और नई बॉडी करने का हमारा इरादा था, लेकिन ये हमारे आपस की नाइतफाकी की वजह से जो है ये कमेटी का जो एक्सटेंशन और कमेटी के अंदर जो नए लोगों को लेने का जो काम है ये हमारी नाइतफाकी से हो रहा है। उसमें हमारे शहर के 2 लोग काम कर रहे हैं और इस बार भी हमने एक जुलूस कमेटी का इंतकाब किया था और उसमें हमारे दीना साहब को, हमारे हत्तूरे साहब को और उधर से शौकत पठान को अध्यक्ष बनाया गया था। अब बीच में शौकत पठान जो है यहाँ हमारे साथ पुलिस कमिश्नर के शिष्टमंडल में हमारे साथ आए, उनकी एक कोशिश थी हमारे को, उन्होंने मुझे भी मुलाकात लेके कहा था कि हम एक होके करेंगे और उस हिसाब से तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी डिले करो, जल्दी मत लो प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऐसा उन्होंने भी मेरे को रिक्वेस्ट की थी। तो आज तक उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी हमने रोक के रखा था। मेरी यही विनती है कि हमारे सब समाज के लोगों से कि हम सब जो है हमारी नाइतफाकिया बाहर रख के ये जो हुजूर की शान में जुलूस मनाया जाता है इसमें हमारी नाइतफाकियों को हमारे जो भी मसले रहेंगे तो बाहर रखना चाहिए। और जिस तरह से सोच चालू थी कि सब लोग एक आकर काम करें, उसमें शौकत पठान भी काम कर रहे थे, उसको दीना साहब भी काम कर रहे थे, दोनों की भी सोच एक थी, लेकिन आज हमने कुछ सोशल मीडिया पे देखा है कि एमडी शेख और मोहकर इनके तहत से उनके खिलाफ पत्रक निकला है। वो पत्रक को कोई इम्पोर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, उनको कोई अधिकार नहीं है, उनको कोई इख्तियार नहीं है, उनके पास कोई ऐसा ठहराव रेजोल्यूशन नहीं है और जिसकी वजह से जो है कमेटी का काम आज भी जो है यहाँ हमारे वाहिद नदाब बड़े पीर साहब और मैं खुद जो है एज ए प्रेसिडेंट यहाँ पे देखता हूँ और ये जो समिति नेमने का अधिकार हम तीनों को है। तो बहुमत से हो या कुछ भी हो, कायदे में जो तरतूद है वो हिसाब से, तो आज जो भी उन्होंने पठान को निकालने का काम किया है ये बेकायदेसर है, गलत है। इसके लिए हम जो है इस साल के जुलूस में हम हमारे दीना साहब अखलाक दीना शौकत पठान और हमारे हत्तूरे साहब, उनका नाम क्या है, ताजुद्दीन हत्तूरे साहब, इनके कियादत में जो है ये जुलूस वहां पे निकलेगा। हम लोग ट्रस्टी अध्यक्ष और ट्रस्टी के तहत हम भी वहां पे रहेंगे और हम लोगों से गुजारिश कर रहे हैं सोलापुर शहर के कि एक बहुत ही शानदार जुलूस अमनो अमान के साथ पिछले 50-52 सालों से जो सोलापुर में निकलता है वो इस साल भी इंशाल्लाह बहुत ही अमन अमान के साथ, बहुत ही शान शौकत के साथ हम निकालेंगे।